हिस्ट्री में उससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा कोई एग्जाम्पल अगर जज्बे का है तो भगत सिंह। भगत सिंह तो सर वो तो खैर अपवाद ह्यूमन बीइंग है इस धरती पर। जब भी आपको निराशा घेरे, मतलब हर युवा को कम से कम दो तीन लोगों की जीवनी या बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए, अंबेडकर की जरूर पढ़नी चाहिए सर, पता चलेगा कि कितनी चुनौती आपको हो सकता है एक दो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो। उस आदमी की चारों तरफ चुनौतियां हैं। गांधी की जीवनी, भगत सिंह की बायोग्राफी, उससे होता यह है सर कि जब आप उनके उनकी परिस्थितियों को देखते हो ना और उनसे खुद को कंपेयर करते हो, जैसे भगत सिंह, जैसे अंबेडकर जी लंदन में है, लाइब्रेरी में, खाने को पैसा नहीं है, लंच करने को पैसा नहीं है, दोपहर में जब सारे लोग लंच करने चले आते हैं तो वो लाइब्रेरी के मेज पे सर रखकर एक पैटी जेब में रखे होते हैं उसको खाते हैं, फिर वहीं पानी पी के बैठ जाते हैं। एक दिन पकड़ गए तो लाइब्रेरी ने कहा कि अब बस रेस्ट्रिक्टेड, बाहर अंदर कैसे खाना खा रहे थे। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि साहब ऐसी ऐसी बात है, पहले नहीं बताया, पर्सनालिटी देखो सर, पहले जाके नहीं रोए कि साहब हम गरीब घर से ना, जब पकड़े गए तब बताया। और ये नहीं कहा हम गरीब हैं, कहा सर अभी कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है सर। जिसके पास चेतना है सर वो गरीब कैसे हो सकता है? मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा सर, जिसके पास चेतना है, कॉन्शियस, अगर आज हम कैपिटलिज्म के पैरामीटर पर पॉवर्टी माने तो कबीर तो बड़े गरीब थे, रैदास तो बड़े गरीब थे, लोगों का तो इनको पैर ही नहीं छूना चाहिए। पर कैपिटलिज्म ने आज पैरामीटर बदल दिया है, उसने कहा चेतना उतना कुछ नहीं होती, ये सब हिंदुस्तानियों की ड्रामेबाजी है, जिसके पास पैसा है वो अमीर है। कहां बचा रहा है कोरोना किसी को? कोई अमीर अमीर नहीं देख रहा है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा है, कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं देख रहा है। और तब उस लंदन के लाइब्रेरियन ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें फिर से बैठने की परमिशन दूंगा, पर शर्त एक ही है कि तुम आज के बाद का लंच हमारे साथ करोगे। ये फायदा होता है सर हर युवा को, मतलब कोई भी युवा नहीं, मतलब कोई भी बुजुर्ग भी, बच्चे से तो खेलने के सिवा उनके पास कोई काम नहीं है, अच्छा भी है वो खेलें मोबाइल छोड़कर, लेकिन हर युवा को जीवनी और बायोग्राफी पढ़ने का शौक पालना चाहिए सर। उससे जब आप कंपेयर करते हो उस व्यक्ति का जीवन और अपना जीवन, तो या तो आपको बड़ा साहस मिलता है और या आपको ग्लानी होती है कि यार हमारे पापा हमको इतना सुविधा दे रखे हैं और हम कर क्या रहे हैं। भगत सिंह सर एक दिन पहले हैंग कर दिए गए, जज्बा देखो सर, एक दिन पहले 24 तारीख को हैंगिंग थी, 23 को कर दिए गए, गवर्नमेंट को सूचना मिल गई कि साहब आपको, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन थी हो सकता है कम्युनिस्ट लाहौर जेल पर अटैक कर दे, तो 22 तारीख को जेलर गया लाहौर जेल का कि सॉरी सर मॉर्निंग हमारे पास ऑर्डर आ गया सर, कल ही हैंग करना पड़ेगा। और दूसरे दिन 4 बजे तैयार, नहा धो के रेडी, मेडिकल चेकअप हुआ, वेट 4 kg बढ़ गया सर, 4 kg। यहां जिनके घरों में सुबह बादाम पीस पीस कर पिलाया जा रहा है उनका 1 gram बढ़ने में हालत खराब है। मरने जाते वक्त किसका वेट बढ़ता है सर? 4 kg, 4 kg। अगली बात बड़ी मजेदार है सर। जेलर ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश? तो एक किताब पढ़ रहे थे, मार्क्स एंड लेनिन, बोले इसके 15 pages बचे हुए हैं, उन्हें पूरा कर लेना है। सर इस तरह का जज्बा, सर मरने जा रहा है आदमी सर। यहां लोग मुझे फोन करके पूछते हैं सर एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, सर इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए, तू सर नीचे कर तेरे सर पे टिक कर दूं, तुझे डॉक्टर बोला आईएएस की तैयारी करने के लिए। जो भी चीज मजबूरी में करोगे उसमें परिणाम मिलने की संभावनाएं न्यूनतम है, नेग्लिजिबल। एनीथिंग विच यू विल डू इन कंपल्शन, इन दैट थिंग द चांसेस टू गेट द रिजल्ट इज नेग्लिजिबल। 15 pages, मरने जा रहे हैं सर। राणा प्रताप के पास डेलीगेशन गया, भगवान दास, बीरबल और 2-3 लोग और गए, कह रहे सारे राजा महाराजा अकबर से दोस्ती कर रहे हैं और आप जो है फालतू में बैठे हुए हैं इस तरह से, और करना क्या है? 2 ही काम करना है, सजदा करना है, पैबोस करना है, वो हिंदुस्तान के शहंशाह, बोले हम भी हैं। अकबर बहुत समझदार बुद्धिमान तो था ही, उसने एक ब्राह्मण से फरमान पढ़वाया अपना, क्योंकि ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता था। तो राणा ने कहा कि अच्छा है कि तुमने फरमान पढ़ा,
किसी और ने पढ़ा होता तो यहीं दफन कर दिए होते, लड़ेंगे। बाबर अपनी जीवनी में लिखता है कि मैंने अपनी पूरे युद्ध के इतिहास में राणा सांगा जैसा योद्धा नहीं देखा। जज्बा है सर, हार और जीत तो एक अलग चीज है सर, जो हार के डर से लड़ेगा ही नहीं उसको मजा ही कहां आएगा जीवन में। जय हिंद।